हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमाउत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स मेरे, जो फ्रेंड्स मेरे रीट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए मैंने नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था। नाउन एंड द नंबर अपन ने स्टार्ट किया था। आज अपन नाउन एंड द नंबर टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, आप जो है नाउन एंड द नंबर वाले टॉपिक में कहीं मात नहीं खाएंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, ये रूल्स आपके काम आने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन आगे नाउन एंड द नंबर। मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउन एंड द नंबर। ये अपना टॉपिक था। देखो आज का वीडियो जो है अपना ज़्यादा बड़ा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा रूल्स इसके बचे नहीं है। सबसे फर्स्ट रूल मैं बता दूं, सिंगुलर से प्लूरल अपन पढ़ रहे थे। नंबर में सिंगुलर से प्लूरल अपन पढ़ रहे थे मेरे फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवल्स को चेंज करके अपन क्या बना देते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि कुछ सिंगुलर, ठीक है, नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवल्स को चेंज करके अपन प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैं यहां पर बोल दूं, आपको एक एग्जांपल दूं, फूट, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर लिख दूं, गूज, ठीक है। और ऐसे ही मैं लिख दूं यहां पर आपको, लाउज, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर स्टूडेंट्स लिख दिया, मैन, वुमन। ऐसे में लिख दिया डोर माउस। डोर माउस क्या होती है, गिलहरी होती है। ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मान लो दिए हुए आते हैं। मैंने कहा कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिन सिंगुलर नाउन्स के बीच के वॉवल्स को चेंज करके अपन क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फूट दे रखा है, तो इसमें बीच के वोवल क्या आ रहे हैं मेरे पास, डबल ओ आ रहे हैं। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, डबल ई में चेंज कर दूंगा। तो मैंने वावल्स क्या कर लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या दे रखा है, गूज, तो इसमें भी डबल ओ दे रखा है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, डबल ई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, गीज हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है लाउज। लाउज का मीन्स क्या होती है, जू। लाउज का मीन्स क्या होती है, जू, जो सिर में अपने जू होती है, ठीक है, उसको लाउज बोलते हैं। ये एक सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेन में देखिए आप, ए आ रहा है, तो मैं प्लूरल बनाने के लिए ई कर दूंगा, ए की जगह एस नहीं लगाऊंगा, बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसे विमन में आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम ई एन हो जाएगा। डोर माउस जो है, माउस का अपन क्या कर लेंगे, माइस कर लेंगे। डोर माउस जो होता है ना, उसको अपन गिलहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलहरी, सब जानते हैं ना आप गिलहरी को, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डोर का, तो डोर रह जाएगा। माउस का अपन क्या कर लेंगे, माइस कर लेंगे। तो मैंने ओ यू को क्या, वोवल को क्या कर दिया, शायद चेंज कर दिया, आई सी ई में चेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, रूल मैंने बताया कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच के वॉवल्स को चेंज करके अपन क्या कर लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज नहीं करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। आगे मैं बढ़ जाता हूँ। अब नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, उस पर भी आप फोकस कीजिए कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई एन और आर ई एन लगाकर अपन क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। मैंने क्या कहा, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई एन और आर ई एन लगाकर अपन प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे, मैंने यहाँ पर लिख दिया चाइल्ड, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ओक्स, ठीक है। अब इनमें ई एन और आर ई एन लगाकर अपन क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। अगर चाइल्ड को आपको प्लूरल बनाना है, तो कभी एस मत लगा देना प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, अपन एस ही ऐसी सीखते हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या लगाने से बनाऊंगा मैं, ठीक है, आर ई एन, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही ओक्स का मैं क्या कर दूंगा, ई एन लगाऊंगा, तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सन हो जाएंगे। अब आपके सामने एक वर्ड देता हूं मैं यहाँ पे, ब्रदर, एक नाउन आपके पास ब्रदर। देखो ब्रदर का मीन्स क्या होता है, भाई। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखो इसको अपन दो तरीके से प्लूरल बनाते हैं। कैसे तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से अपन प्लूरल बनाते हैं ब्रदर का। अगर आप, ठीक है, ब्रीदर्न कर देते हैं, एक तो ब्रीदर्न भी क्या होता है, ब्रदर का प्लूरल ही होता है। लेकिन ये भाई कौन से होते हैं साहब, जो समुदाय में जो भाई होते हैं। मैं लिख दूं यहां पर सामुदायिक
ठीक है भाई, जो अपने कबीले में जो भाई होते हैं, ठीक है, अपने समाज में जो लोग होते हैं, जैसे समाज समाज में हम उम्र जो लड़के होते हैं जिनको अपन भाई बोल सकते हैं, आई मेरी बात समझ में, उनको उनके लिए तो मैं किसका यूज करूंगा, ब्रिदर्न का यूज करूंगा। तो ब्रिदर्न वर्ड जो है वो प्लूरल है। और अगर अपने को, ठीक है, सगे भाई की बात करनी है तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, स्टूडेंट से ब्रदर्स का यूज कर लूंगा, ये कौन सा हो जाएगा मेरा सगा भाई, आई मेरी बात समझ में, सगे भाइयों के लिए ब्रदर्स का यूज होगा। और जो समाज में जो भाई रहते हैं, ठीक है, उनके लिए अपन ब्रिदर्न का यूज कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ब्रदर सिंगुलर होगा, ब्रदर को दो तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये रूल है। अब इसके बाद में, ठीक है, थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि कुछ सिंगुलर मेरे क्या होते हैं साहब, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं साहब, कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन की बात करूं तो आपने सुना होगा सन इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ये क्या होते हैं कंपाउंड नाउन, संयुक्त संज्ञाएं, आई मेरी बात समझ में। तो कंपाउंड नाउन जो होता है ना, ठीक है, उनका अगर अपन प्लूरल बनाए तो कैसे बनाएंगे, किस सिचुएशन में बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। कंपाउंड नाउन का जो मेन जो वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, उस मेन वर्ड में एस लगाकर अपन क्या बनाते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं उन कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर अपन प्लूरल बना लेते हैं। तो पहले तो मैं यहां पर आपके सामने एक रूल बनाता हूं कुछ, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया है, कंपाउंड नाउन्स ध्यान दें के मेन वर्ड में, कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस लगाकर, ठीक है, क्या बना देते हैं अपन, प्लूरल बना देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैं समझाता हूं, कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा पासर बाई, क्या लिखा जी मैंने, पासर बाई, पासर बाई आप सब जानते हैं, पासर बाई का मतलब क्या होता है, राहगीर। पासर बाई का मीन्स क्या होता है साहब, राहगीर होता है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना हो, देखो पासर बाई क्या है, कंपाउंड नाउन है, आई मेरी बात समझ में। तो इन दोनों में से मेन वर्ड कौन सा है वो देख ले आप, बाई मेन वर्ड है या फिर पासर यहाँ पर मेन वर्ड है। आपका आंसर क्या होगा कि सर यहाँ पर पासर जो वर्ड है वो मेन है, तो मैं एस किस में लगाऊंगा, पासर में लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा साहब पासर से बाई। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही मैं यहां पर बोल दूं आपके सामने, मैंने लिख दिया सन इन लो, मैंने क्या लिखा है साहब, सन इन लो, जानते होंगे सन सन इन लो का मीन्स क्या होता है, दामाद, ठीक है। अगर सन इन लो को आपको क्या बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, ये तो समझ में आ गया कि ये कंपाउंड नाउन है, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इनमें से देख लो आप, एक तो सन है, इन है और लो है, इनमें मेन वर्ड कौन सा है, सन है, इन है या फिर लो है। आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर बात सन सन इन लो की, मतलब सन की हो रही है, मेन वर्ड कौन है, सन है, तो मैं क्या कर दूंगा सन से, देखो सन में ऐसा लगाया इन और लो, आ रही होगी मेरी बात समझ में। ऐसे ही मैं आगे आपके सामने लिख दूं, यहां पर मैंने लिख दिया स्टेप फादर, ठीक है। स्टेप फादर का मीन्स क्या होता है, सौतेला बाप, ठीक है, आ रही होगी मेरी बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि स्टेप और फादर में से दोनों में से मेन वर्ड क्या है। ऑफ कोर्स समझ गए होंगे आप, फादर यहां पर मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा स्टेप, और ये मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर फादर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे अपने जो क्या होते हैं बहुत से कंपाउंड नाउन है, अपन ज्यादा का जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो सीधा मैंने बताया कि कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस लगाना है और प्लूरल बना देना है। ये रूल आपके क्लियर हो गया होगा, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अब नेक्स्ट अपना रूल क्या बनता है कि अपने को मान लो कुछ नाउन दिए हुए आते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन मान लो आपको दिए हुए आ जाते हैं, और उन कंपाउंड नाउन्स में आपको क्या करना है साहब, जो बीच के जो वावल्स होते हैं ना, उन बीच के वावल्स को चेंज करके अपन प्लूरल बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि कुछ कंपाउंड नाउन होंगे, उन कंपाउंड नाउन के बीच के वोवल्स को अपन क्या करेंगे साहब, चेंज करके क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। जैसे मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूँ वॉशरमैन, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, वॉशरमैन मैंने लिखा है। ऐसे ही मैं यहां पर लिख दूं साहब मिल्कमैन, देख
देखते जाएं यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने ठीक है ऐसे लिख दिया यहाँ पर वॉशर वुमन, देखते जाएं आपको समझ में आएगा। अब मेरी बात सुने यहाँ पर अपने वो क्या दे रखा है साहब, वॉशरमैन दे रखा है। अब वॉशरमैन में से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से मेन वर्ड कौन सा है, मेन की बात हो रही है फिर वॉशर की बात हो रही है। वॉशर तो कोई मेन वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, मेन वर्ड क्या होगा एम एन ही होगा। तो एम एन का जो बीच का जो वावल है उस वावल को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा और प्लूरल बना लूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा साहब, वॉशर में तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा और मेन का क्या कर दूंगा ई कर दूंगा, तो प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही इसका यूज मत करना, ऐसे ही मिल्क मैन का क्या हो जाएगा साहब, मिल्क, और यहां पर मैं क्या कर दूंगा एम ई एन कर दूंगा। वॉशर वुमन में आप क्या करेंगे, वॉशर का तो आप स्टूडेंट्स वॉशर लिख लेंगे, और वुमन में आप क्या करने जा रहे हैं ई एन का यूज करने जा रहे हैं। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात सुन लें कि कुछ कंपाउंड नाउन अपने ऐसे भी आएंगे जिनमें अपन क्या करेंगे साहब, ठीक है दोनों जो पक्ष होंगे, ठीक है उन दोनों पक्षों में अपन अब की बार क्या लगाएंगे साहब, ठीक है दोनों पक्षों में चेंज करके अपन प्लूरल बनाएंगे। मेरी बात सुने, दो पक्ष कैसे, जैसे यहां पर एक वॉशर एक पक्ष तो ये हो गया, ठीक है एक वुमन एक पक्ष ये हो गया। देखो दो पक्ष हो गए ना तभी तो कंपाउंड नाउन बना, तो दो पक्ष यहां पर आ रहे हैं, ठीक है अब की बात। देखो इस वाले में तो अपन ने क्या किया था, मेन जो पक्ष था मेन जो पद था उसमें अपन ने एस लगाया, क्योंकि मेन जो पद था उसके वोवल चेंज किए थे। जैसे वॉशर यहां पर मेन नहीं था, वुमन यहां पर मेन था, तो इसमें वुमन में ई एन अपन ने कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं कि आपको साफ कंपाउंड नाउन दिया हुआ आएगा, लेकिन अब की बार आपको दोनों पदों में चेंजेस करने हैं, एक में एस लगाएंगे और हो सकता है कि एक में क्या हो जाए साहब, ठीक है वोवल्स चेंज रहे, ऐसे भी हो सकता है, और या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों तरफ एस लग जाए। तो अपन देख लेते हैं वो सिचुएशन क्या होती है, मैं रूल नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख देता हूं साहब। मैंने यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया मेन सर्वेंट, क्या लिखा है साहब मैंने मेन सर्वेंट लिख दिया। देखो समझने की जरूरत है, इजी वे में समझ में आएगा आपको। देखो एक पद तो यहां पर क्या है मेन, ठीक है, और दूसरा पद क्या है साहब सर्वेंट। मेरी बात सुनो, मेन का तो एम ई एन कर देंगे अपन, एक को किसमें चेंज कर देंगे ई में चेंज कर देंगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन फिर ठीक है सर्वेंट भी तो क्या होना चाहिए, अपना प्लूरल ही होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मेन बहुत सारे आदमी एक सर्वेंट, ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत से सर्वेंट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इस पहले वाले पद में तो वोवल चेंज कर दिया, और दूसरे वाले पद में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लास्ट में क्या लगा रहा हूँ साहब, एस लगा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है मेन सर्वेंट हो गया, ठीक है ऐसे ही मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पर वुमन सर्वेंट, आई होगी मेरी बात समझ में, क्या लिख सकता हूं मैं वुमन सर्वेंट भी लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दोनों तरफ चेंज हो जाता है, कई बार एक तरफ चेंज होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे यहां पर अपन ने देखा वॉशर मेन, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं था वॉशर, ठीक है मेन ही इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने यहां पर मेन का क्या कर दिया बीच का वो होल चेंज कर दिया। लेकिन यहां पर मेन भी इंपॉर्टेंट और सर्वेंट भी क्या है देख लो, चाहे से आप इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो दोनों तरफ अपन को क्या करने पड़ेंगे साहब, चेंजेस करने ही पड़ेंगे, कितनी कोशिश कर ले करने ही पड़ेंगे अपने को। अब यहां तक का पार्ट आपका समझ में आया मेरे को पता है आप लोगों को। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ ठीक है मेरे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है, कुछ मेरे नाउन्स क्या होते हैं साहब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ठीक है एस लगा देने से क्या बन जाता है स्टूडेंट्स प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं यहां पर बोल दूं साहब, मैंने लिख दिया साहब टच मी नोट, क्या लिख दिया साहब टच मी नोट। अब आपसे ऐसा दिया हुआ है टच मी नोट, मुझे मत छुओ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुझे मत छुओ, ये क्या होता है साहब छुई मुई का क्या होता है कि ठीक है छुई मुई का फूल मान लो या पौधा मान लो, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब आपको यहां पर करना क्या है, एस कहाँ लगाना है, जो लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना उसके साथ आपको क्या लगा देना है एस लगा देना। तो इसका कैसे बनाएंगे आप प्लूरल, आप कहेंगे टच मी नोट्स,
इस तरीके से आप क्या कर देंगे साहब, ठीक है प्लूरल बना देंगे, ऐसे ही मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं लिख दूं यहां पर पिक मी, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया साहब अप, मैंने क्या लिखा है साहब पिक मी अप, अब यहां पर आपको दे रखा है पिक मी अप, तो ध्यान रखना पिक में भी नहीं लगाएंगे, मी में भी लगाएंगे, कहां लगा देंगे अप में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा पिक मी अप्स, ठीक है। तो ये कुछ अपने ठीक है एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पर अपने को थोड़ा गौर करना होता है, उम्मीद है यहां वाला आपको सिस्टम समझ में आया होगा, टच मी नोट का, टच मी नोट्स करेंगे, पिक मी अप का, ठीक है पिक मी अप्स कर देंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ये नॉर्मल रूल्स होते हैं अपने, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और देखना अब की बार जो रूल आ रहा है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद आने वाला है, ठीक है, और वो रूल क्या है वो देखें आप, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं साहब जिनके प्लूरल बहुत ही अजीब तरीके से बनते हैं, कुछ नाउन्स के प्लूरल बहुत अजीब तरीके से बनते हैं, ठीक है, और बिना किसी नियम के भी बोल सकता हूं मैं, जैसे मैं यहां पर बोल दूं आपको मिस्टर, आपको एक वर्ड दिया हुआ आ रहा है साहब मिस्टर, और आपको बोल दे कि साहब इसका प्लूरल बनाओ, तो आप सोचेंगे कि यार इसका प्लूरल क्या होगा, यार इसका भी कोई प्लूरल होता है क्या, तो मैं बता दूं इसका प्लूरल आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप कर देंगे मेसर्स, क्या कर देंगे साहब मेसर्स आप कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा ये प्लूरल होगा, मिस्टर का प्लूरल मेसर्स हो रहा है, ऐसे ही आपको अगर दिया हुआ आता है मिसिज, क्या दिया हुआ आ रहा है साहब मिसिज, अगर आपको दिया, और देखो इसमें तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, मिसिज अगर आपको दिया हुआ आ रहा है तो ध्यान रखना इसका आप बनाएंगे मेस डैम्स, क्या बनाएंगे साहब मेस डैम्स, ये इसका क्या बनेगा साहब प्लूरल बनेगा, मेस डैम्स इसका क्या बन जाएगा साहब प्लूरल बन जाएगा। अब इसके बाद मान लो आपको दिया हुआ आ रहा है मिस्टर, और मैं बोल दूं यहां पे ठाकुर, क्या दिया हुआ आ रहा है साहब मिस्टर, सीधे बोले मिस्टर खन्ना आपको जैसे मान लो दिया हुआ है, ठाकुर को छोड़ते हैं खन्ना दिया हुआ आ रहा है मान लो आपको, अब आपको बोल दे कि साहब इसका प्लूरल बनाओ, इसका क्या बनाओ साहब स्टूडेंट से प्लूरल बनाओ, तो मैं बता देता हूं यहां पर, या तो आप बना सकते हैं साहब ठीक है मेसर्स, आई मेरी बात समझ में, मेसर्स खन्ना बना लेंगे, देखो बहुत इजी है, या तो मेसर्स करना हो जाएगा भाई मिस्टर को ही तो चेंज करना था तो मेसर्स में कर दिया, या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, और वो तरीका क्या होगा मिस्टर के साथ द लगा देंगे, मिस्टर का मिस्टर रख लेंगे और खन्ना का क्या रख लेंगे खन्ना रख लेंगे, तो ये भी प्लूरल ही होगा, यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दिया हुआ था जैसे मैं बोल दूं साहब मिस, और मैं बोल दूं यहां पर शर्मा, मिस शर्मा ऐसे मैंने दिया दे दिया साहब यहां पर, क्या दे दिया साहब मिस शर्मा मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है, तो मिस शर्मा का अपन क्या कर देंगे साहब मिसेज शर्मा ऐसे कुछ, और अगर अपन चाहें तो इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं द मिसेज शर्मा, कुछ इस तरीके से भी अपन इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं आपको बताऊं कि वो टच मी नोट मैंने आपको बताया था, उस टच मी नोट में प्लांट भी कर लेना लास्ट में, ठीक है, मैंने बताया था साहब टच मी, ठीक है नोट प्लांट ऐसे होगा वो, ध्यान रखना स्टूडेंट टच मी नोट प्लांट होगा, तो क्या हो जाएगा टच मी नोट प्लांट्स होगा, ध्यान रखना ये आपको ध्यान रखना है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना है आपको, प्लांट वहां पर मैंने मिस कर दिया था तो प्लांट वहां पे आपको रखना ही पड़ेगा, आ रही होगी मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे अपना हो सकता है फॉरगेट मी नोट, तो फॉरगेट मी नोट्स हो जाएगा, आई मेरी बात समझ में, चलो वो तो कोई बात नहीं, अपने अपनी भूल सुधार ली साहब। अब यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया, देखो बहुत ईजी रूल्स होते हैं ये, ठीक है, इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और देखो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि अपन इन चीजों को क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट से, इन चीजों के अपन गौर नहीं कर पाते हैं साहब, अपन इनको ठीक है इजी वे में ले जाते हैं। अब बात मेरी क्या आ जाती है स्टूडेंट्स रूल्स की बात करूं, देखो मैंने अधिकतर रूल्स जो थे ना नाउन और नंबर के वो आपको मैंने सिंटेक्स वाले पार्ट में पढ़ाए, जैसे मैंने डजन का रूल पढ़ा दिया, 100 डजन मिलियन वाला रूल आपको पढ़ाया, ठीक है, ऐसे मैंने फर्नीचर वगैरह का रूल मैंने आपको पढ़ाया, उनमें कौन सी चीजें अपन ने मिसिंग कर दी वो मैं आपको बता देता हूँ, दो या तीन रूल और आपके बच रहे हैं तो वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक तो बताया था न्यूज, एक वर्ड है अपना न्यूज,
और इस न्यूज के बारे में अपन ने ये सीखा था कि इसके लास्ट में एस आने से ये प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो मैं आपको बता दूं ठीक है कि न्यूज के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है, दे का यूज आप कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई। मैं यहां पर दो तरीके से यूज बताता हूं कि ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है। क्या रहेगा साहब? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और इसके साथ ठीक है, डोंट यूज ए और एन, ए और एन का यूज अपन नहीं करेंगे, अपन केवल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूं, मैं यहां पर लिख दूं द न्यूज, मैं लिख दिया द न्यूज और यहां पर ब्लैंक छोड़ दूं ठीक है, और यहां पर मैं बोल दूं साहब ट्रू। अब आपको बोल दे इज और आर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ठीक है, यहां पर बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। देखो न्यूज का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ये ध्यान रखना, न्यूज हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये सिंगुलर है ऐस मानकर अब इसका भी इसको प्लूरल मत मानना, ये सिंगुलर रहेगा। तो इसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि न्यूज के साथ अपन द का यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कभी भी नहीं करेंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप लोग ठीक है, यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब एक वर्ड अपना और मिसिंग हो गया था अपने सिंटेक्स में, ये भी एक नाउन होता है संबंध। क्या होता है साहब? संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? बुलावा पत्र। संबंध का मींस क्या होता है साहब? बुलावा पत्र, न्यायालय में जो बुलावा पत्र होता है, मतलब किसी को न्यायालय में ठीक है कोर्ट में जो अपनी उपस्थिति करवानी होती है उसके लिए उसको सम्मन बोला जाता है, सम्मन दिया जाता है। आई मेरी बात समझ? जैसे मान लो मैंने कोई मर्डर कर दिया तो मेरे घर पे क्या आएगा, मेरे नाम से सम्मन आएगा ठीक है, बुलावा पत्र आएगा। तो साहब यहाँ पर इसको दो तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है और ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। इसके साथ अपन ए और एन का यूज भी कर लेते हैं, मतलब ए का यूज कर लेते हैं ठीक है, इसके साथ द का यूज भी कई सिचुएशंस में हो जाता है ठीक है। एक का यूज करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, और प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी अपन सीखेंगे ठीक है। तो पहले मैं इसकी सिंगुलर की बात कर लेता हूं एक बार ठीक है, कि संबंध का जो यूज होता है ना ठीक है, उसके बारे में बात करूं, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा साहब? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और यूज कर सकते हैं अपन किसका स्टूडेंट्स, ए और एन का अपन यूज कर सकते हैं। यूज तो वैसे तो मेनली किसका होगा, ए का ही होगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ये खुद भी सिंगुलर ध्यान रखना, सॉरी समन्स होगा ये, मैं थोड़ा गलत बता रहा हूं आपको, यहां पर होगा क्या स्टूडेंट्स, ये वर्ड अपने आप में क्या होता है साहब, समन्स होता है। क्या होता है? समन्स होगा, ध्यान रखना आपको समझने की बात है, समन्स इसको बोलेंगे। कहीं एस देखकर आप इसको प्लूरल मत मान लेना, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे दूं, समंस ठीक है, और यहां पर ब्लैंक दे दूं, सेंट टू मी, सेंट टू मी, और यहां पर आपको दे दूं वॉज और वर। मेरी बात सुने, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ए दे रखा है तो क्या मान लेंगे साहब, यहाँ पर एस नहीं आएगा तो प्लूरल हो गया ठीक है, ए के साथ एस या ई एस कैसे आ सकता है, कई क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वर्ड ही समंस ही होता है, ये वर्ड ही क्या होता है साहब, समंस ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समंस सही है, ध्यान रखना ये सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, वोज का यूज कर लूंगा, ए बिल्कुल सही होगा यहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये समंस जो वर्ड है वो एक नाउन होता है, समंस वर्ड क्या होता है साहब, एक नाउन होता है, समन वर्ड एक वर्ब भी होती है, वर्ब होगी तो समंड होता है, एस नहीं आता है फिर सिचुएशन में समंड हो जाता है, उसका भी एक एग्जांपल देके बताऊंगा ठीक है। ए समंस वॉज सेंट टू मी, यहां तक तो आपको समझ में आया हुआ, ये एक नाउन है समंस, ध्यान रखना। अब समन जो होता है ठीक है, वो समंस जो होता है इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में यूज कैसे करते हैं, तो अगर एस ई एस नहीं करेंगे अपन केवल किसका यूज कर देंगे, ई एस का यूज करके इसको क्या बना सकते हैं साहब, प्लूरल बना सकते हैं, और उस सिचुएशन में ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा ठीक है, और वर्ब भी इसके साथ क्या रहेगी साहब, प्लूरल ही रहेगी, वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। जैसे मैं यहां पर बोल दूं फोर ठीक है, और मैं यहां पर बोल रहा हूं साहब समंसेज, और ये ब्लैंक दे दिया सेंट टू मी, सेंट टू
मी स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख दिया आपके सामने और ये हो गया अपना वो जोर वर। ध्यान से सुन ले, ध्यान से देख ले, ठीक है। अब की बार देखो संबंध कितने, चार है। यहां पर संबंध कितने थे, एक संबंध था, यहां पर चार संबंध है। तो चार संबंध होंगे तो अपन प्लूरल बनाने के लिए संबंध तो नहीं रखेंगे, अपन क्या लगा देंगे इसमें ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये संबंधेज हो जाएगा। ध्यान रखना प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा सकते हैं, तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट संबंध जो वर्ड होता है ये वर्ब के रूप में कैसे काम करता है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि समन एज अ वर्ब। ध्यान दें मैंने क्या लिखा है, समन, ठीक है, एज ए वर्ब। देखो वर्ब के रूप में कैसे काम करता है वो भी अपन देख लेते हैं। देखना मैं यहां पर बोल देता हूं साहब, फादर समन मी एज माई मदर वॉज सीरियसली इल। ध्यान दे यहां पर समन का मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बुलाना, बुलावा भेजना, बुलावा भेजना। यहां पर कानूनी बुलावा नहीं है, ध्यान रखना ये वर्ब के रूप में काम करे। कानूनी बुलावा ये था कि मेरे को चार समन प्राप्त हुए, न्यायालय से चार समन मेरे को मिले, यहां पर एक समन मेरे को मिला, यहां पर फादर मेरे को बुला रहे हैं। तो फादर जो है ना वो मेरे को न्यायालय के, न्यायालय का बुलावा पत्र थोड़ी देंगे, पापा ने मुझे बुलाया। क्यों बुलाया, क्योंकि मेरी मम्मी कहती सीरियसली इल थी। तो मैं आपको बता दूं समन जो वर्ब, सॉरी जो वर्ड होता है वो नाउन की तरह भी एक्ट करता है और वर्ब की तरह भी एक्ट करता है। यहां पर ये सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है, तो ये वर्ब है। मैं आपको बता दूं इस सिचुएशन में आप इसको क्या नहीं मान सकते हैं साहब, है नाउन नहीं मान सकते, ये सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल टेंस बन रहा है। कौन सा टेंस बन रहा है स्टूडेंट, पास्ट सिंपल टेंस बन रहा है कि मेरे पापा ने मुझे बुलाया क्योंकि मेरी मम्मी की तबियत क्या थी, ठीक है, खराब थी, गंभीर बीमार थी मेरी मम्मी। और यहां पर समन्स, ठीक है, ये क्या होगा, एक नाउन होगा, ठीक है, समन्सेज प्लूरल बनाने के लिए ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक नाउन ही होगा। यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैंने ये तो चलो समन वाली बात हो गई, अब मैंने आपको, ठीक है, कुछ रूल पहले बता चुका हूं मैं सिंटेक्स में, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं आगे चला रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को नाउन को और भी अच्छे तरीके से समझना है वो सिंटेक्स वाला पार्ट मेरा अच्छे तरीके से देखें उनमें, ठीक है, पूरा नाउन के जितने भी रूल, जैसे अपने एडवाइस हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, ठीक है, गणितीय गणनाएं कैसी होती है, मैथ्स जो वर्ड होता है सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल की तरह काम कैसे करता है, वो सारी चीजें अपने सिंटेक्स वाले पार्ट में पढ़ा रखी है, तो बार बार इनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो फिर नाउन हो, तो वर्ब सिंगुलर होती है, शिप आफ्टर शिप, शिप नाउन था, ठीक है, प्रीपोजिशन आफ्टर थी फिर दोबारा शिप आ गया था, ये रूल मेरा आपको बताया हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कुछ एडजेक्टिव्स को नाउन बनाने के लिए उनसे पहले द लगाते हैं, जैसे मैं बोल दूं द पुअर शुड हेल्प द, ठीक है, या मैं बोलूं द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पर सारे गरीबों की बात, तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई है स्टूडेंट्स। सिंटेक्स वाले पार्ट को बार बार देखें, एक से लेकर 11 वाला, 11 12 जो पार्ट थे अपने, वो सारे सिंटेक्स के आप देख लें, नाउन और नंबर का आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आपको नाउन एंड नंबर मैंने कंप्लीट करा दिया है, कल आपको टीचिंग मेथड में, ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मेरी क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसमें आपका ही बेनिफिट ना हो सबका बेनिफिट हो। और जो मेरे भाई लोग, मेरे शिक्षक साथी शिक्षक बनने का सपना लेकर बैठे हैं, ठीक है, उनका भी सपना साकार हो सके, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहां तक संभव जितने भी ग्रुप्स आपके पास है सब में इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।